दोस्तों बात 1974 की है, जब फेडेक्स कंपनी पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो गई थी। उस वक्त कंपनी के फाउंडर के पास महज 3 लाख रुपए ही बचे थे। उस 3 लाख रुपए को लेकर वह लास वेगास में जुआ खेलने चले गए और उन्होंने अपने सारे पैसे जुए में लगा दिए। वो कहते हैं ना कि किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो रिस्क लेने से डरते नहीं है। वह वहाँ से 25 लाख रुपए जीत गए और उन्हीं पैसे से कंपनी को दोबारा उभारने में लगा दिया। आज के समय में फेडेक्स कंपनी 5 लाख करोड़ से ऊपर की भी है। फेडेक्स में 6 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।